क्या कर रही हो? हाँ, तुम्हारा कॉपी ये है तो उसमें क्या लिख रही हो? हाँ मम्मी, इसमें लिखो ना, जल्दी जल्दी लिखो ना। हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम माई न्यू ब्लॉग दोस्तों, एंड गुड इवनिंग सभी को। अभी शाम के 5 बजा है और मेरा ड्यूटी ख़त्म हो गया है और आ गए हैं रूम पर। और दीपाली भी स्कूल से आ गई है, देखिए इधर है, होमवर्क बना रही है। और जैसे ही ड्यूटी से आए, उसने आपकी भाभी जी एक स्पेशल चीज़ बना के रखी थी, देखिए मैं आप सबको दिखाता हूँ, पहचान के बताइएगा कि क्या बनाई है। ऐसे देखिए, बैक कैमरा से दिखाता हूँ आप सबको, दीपाली भी दिखाएगी आप सबको। देखिए ये क्या है, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। इस कटोरी में देखिए साफ दिख नहीं रहा है, देखिए किसी चीज़ का हलवा है तो आप कमेंट में लिख के बताइएगा कि किस चीज़ का हलवा है, बनाई है। आज जैसी आए उसी ही कटोरी में निकाल के दी है, लगा हुआ था तो पहले हलवा खा लेते हैं। देखो दीपाली, देखिए कितना चिल्ला रही है, इसको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है आपको? नहीं, नहीं अच्छा लगता है आपको? नहीं अच्छा लगता, मेरे को अच्छा लगता है। मेरे को अच्छा नहीं लगता, आपको अच्छा लगता है? तो ठीक है, दोनों मिलके खाते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अब बोलो हाय दोस्तों, तो बोलो ना, बोलो ना हाय दोस्तों। राधे राधे, राधे राधे। देखिए ठीक है, अभी हलवा खा लेते हैं, उसके बाद आप सबसे मिलते हैं। हलवा तो खा लिया दोस्तों और बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और आप कमेंट में लिख के बताइएगा कि किस चीज़ का हलवा था, हम तो खाएं तो हमको बहुत अच्छा लगा। तो हलवा हलवा खा लिए, दीपाली भी खा लिया, अब देखिए उधर पढ़ाई कर रही है। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सबको बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी रेलवे ग्रुप डी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है और ये जो मेडिकल है रेलवे ग्रुप डी का, ये सब अभी चल रहा है। किसी किसी जोन का अभी चालू नहीं हुआ है, कहीं कहीं चल रहा है और होने वाला है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ, इससे पहले भी बताया था और इस वीडियो में भी मैं आप सबको बताता हूँ, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए। ठीक है दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है साइन और जो पैराग्राफ लिखने का रहता है, 50 चाहे 100 शब्द का, हिंदी चाहे इंग्लिश में, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो भी कैंडिडेट भूल गए हैं, चाहे जिनको याद नहीं है कि हम जब फार्म फिलअप किए थे, भरे थे, तो उस टाइम कैसे साइन किए थे और हिंदी में लिखे थे कि इंग्लिश में लिखे थे, और जब जो पैराग्राफ लिखने का रहता है, पहला वर्ड कैपिटल लिखे थे कि स्मॉल लिखे थे, ये सब ध्यान रखना पड़ता है। वहाँ पे जब फार्म जब फिलअप किए थे तो वहाँ पे क्या लिखे थे, और यहाँ जब वेरिफिकेशन होता है यहाँ भी लिखवाता है, जो आपको टेस्ट अथी चेक किया जाएगा कि वहाँ जो जब आप फार्म भरे थे तो उसमें किस तरह से लिखे थे, और यहाँ पे आप सबको लिखवाएगा तो यहाँ पे भी लिखिएगा तो दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चेक करता है। और जो सिग्नेचर रहता है वो भी चेक करता है, जो आप जब फार्म भरे होंगे तो उस समय कैसे साइन किए थे वो देखता है, और जब जहाँ पे फार्म जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहाँ भी साइन करवाता है, तो यही सब मैच करवाता है। और जो फोटो रहता है वो भी मैच करवाता है, डेट ऑफ बर्थ जो रहता है वो मैच करवाता है, ये सब पूरा अच्छी तरह से वेरिफिकेशन करता है। अगर ये सब में मिस्टेक हुआ तो आप सबको बाहर भी निकाल सकता है। जो साइन रहता है, सिग्नेचर रहता है, वो कंपलसरी एकदम मिलना ही चाहिए। और जो पैग लिखने के लिए रहता है 200 चाहे 100 शब्द का, कुछ हिंदी चाहे इंग्लिश में लिखाता है पैराग्राफ टाइप का,
जैसे पहले आप लिखे थे वो उसी तरह से आपको लिखवाया जाएगा। अब पहला वर्ड जैसे आई हुआ शुरू जैसे स्टार्ट होता है तो पहला शब्द इंग्लिश में अथी कैपिटल लिखे थे कि स्मॉल लिखे थे ये ध्यान करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि जब हम फॉर्म फिलअप किए थे तो कैपिटल लिखे थे कि स्मॉल लिखे थे, ये ध्यान करके वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो फिर उसमें दिक्कत कर सकता है। इसीलिए सभी भाई से रिक्वेस्ट है कि जो भी आप सिग्नेचर किए हिंदी में चाहे इंग्लिश में ये ध्यान रखिएगा, और जहाँ पे आप वेरिफिकेशन कहीं जब कराने जा रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए तो वहाँ भी जो साइन किए हैं जिस वर्ड में जैसे हिंदी पहला अक्षर इंग्लिश में साइन कोई करता है तो पहला अक्षर इंग्लिश में करता है कैपिटल में फिर स्मॉल में कर देता है, कोई कोई करता है कि पूरा वर्ड ही जो भी नाम रहता है पूरा स्मॉल में कर देता है, तो ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आप साइन करते हैं उसी तरह से सभी जगह साइन करिएगा सिग्नेचर करिएगा, और जो वर्ड रहता है लिखने का जो पैराग्राफ रहता है वो भी अच्छी तरह से लिखिएगा, और ये सब मैच करवाता है कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वही आदमी है कि दूसरा आदमी है, ये सब वेरिफिकेशन करता है। वेरिफिकेशन का मतलब यही हुआ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया और आपका जो पैराग्राफ का लिखने का रहता है वो मैच करवाता है, सिग्नेचर मैच करवाता है, ये सब मैच करवाने के बाद ही इसको वेरिफिकेशन बोलते हैं। इसमें अगर कुछ भी मिस्टेक हुआ तो आप सबको दिक्कत हो सकता है, इसीलिए जो भी वेरिफिकेशन में अभी जा रहे हैं या जाने वाले हैं तो ये सब चीज़ पर बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था दोस्तों कि अभी वेरिफिकेशन चल रहा है, किसी का होने वाला है, किसी का हो गया है और किसी का भी नहीं हुआ है, तो जो भी कैंडिडेट हैं जो भी मेरे भाई हैं वो कृपया ध्यान से जाइए और याद करके जाइए कि हम फॉर्म भरते समय क्या साइन किए थे कैसे लिखे थे, और वही उसी तरह से जहाँ पे वेरिफिकेशन करने जाइएगा वहाँ पे उसी तरह से लिखना है। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे, जब तक के लिए बाय और जय हिंद।